दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप डोर को इन रेविट आर्किटेक्चर ओपन कैसे करके रख सकते हैं अगर आपको ओपन डोर रखना है। अभी तो हम देखेंगे, जो 3D में हम डोर को देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे जो डोर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। अभी आपके यहाँ पे डोर क्लोज है, अगर मेरे को ओपन करके रखने हैं तो किस तरीके से हम उसे ओपन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे एक डोर लिया है, ये वाला नॉर्मल सिंगल फ्लश डोर है। दूसरे वाला डोर लिया है डोर एंट्री, जो आपका एक्सटीरियर का डोर है वो वाला डोर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉर्ड फैमिली में ये कोई भी डोर, आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक ये वाला डोर चूज किया, एक ये वाला डोर चूज किया, आप और भी जो भी आपको डोर पसंद है आप उसे ओपन यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या है कि अभी आप 2D प्लान पे हो, लेवल 1 पे हो। अगर मैं सिंगल फ्लश डोर की बात करूं, सिंगल फ्लश डोर को यहाँ पे कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हम इसे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे ओपन कर पाए। बट अगर मैं इन बाकी डोर्स की बात करूं, तो अगर आप इन्हें देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्विंग एंगल है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसे डाल सकते हो जैसे 45 डिग्री, आप इस पे क्लिक करें, इसको आप डिफरेंट एंगल डाल सकते हो 30 डिग्री, यहाँ पे आप क्लिक करें, आप इसे डाल सकते हो 50 डिग्री। तो आप देखेंगे जितना भी डिग्री आप डाल रहे हो उसी डिग्री के अकॉर्डिंग आपके डोर यहाँ पे ओपन या क्लोज होके आपको शो हो रहे हैं। बट अगर हम 3D में देखते हैं, 3D में स्टिल ये डोर आपके क्लोज हैं, ये ओपन नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे ये पैरामीटर्स आपके यहाँ पे शो हुए हैं वो ओनली लेवल 1 मतलब प्लान व्यू के लिए है, 3D के लिए नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे तो 3D में भी ओपन डोर चाहिए, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो मैं ये सिंगल फ्लश डोर को यहाँ से लेता हूँ अभी, और इसको मैं चाहता हूं कि इसको 45 डिग्री के एंगल पे मैं 2D प्लेन में भी देखना चाहता हूँ, और 3D पे भी मैं 45 डिग्री के एंगल पे देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डोर पे क्लिक करना है और आपको जाना है एडिट फैमिली पे। आप एडिट फैमिली पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डोर, आप 3D में इसे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का डोर है जहां पे आपका वॉल और डोर का फ्रेम दिखाई देगा। आप अपने व्यू पे जाएं, फ्लोर प्लान और ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जाएं, तो यहाँ पे इसके कंप्लीट पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे। अब आप देखेंगे जो ये बनाया गया है, ये वाला पोर्शन, ये तो बनाया गया है मॉडल लाइन की हेल्प से, और जो ये है आपका डोर का, जो आपका 3D में क्लोज डोर नजर आता है। अब सबसे पहले तो हम इसे ओपन करते हैं, इस क्लोज डोर को। उसके लिए मेरे को क्या करना है, डोर को सिलेक्ट करना है, रोटेट पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे सेंटर में इसकी प्लेसमेंट आई है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, बट सेंटर ऑफ रोटेशन मुझे चाहिए इसके इस साइड वाली एज पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है जहां से आपको सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए। आपको यहाँ पे क्लिक करना और जितना आपको ओपन करना है आप मैनुअली भी डाल सकते हो, 45 एंटर, तो आपका 45 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा। जैसे ही रोटेट होगा ये तो ये ब्रेक हो जाएगा बाकी सब चीजों से, तो ये बोलेगा कि अलाउ कर सकते हैं, अगर आप कॉन्स्ट्रेंट आर नॉट सेटिस्फाइड आप इसे रिमूव कॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक करें, रिमूव रेफरेंस पे क्लिक करें, तो आपका डोर इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट 2D में तो स्टिल यही है, बट 3D में अब ओपन हो चुका है। इसके लिए अगर मैं रोड करूँ, इसके ओवरराइड करूँ, तो आप देखेंगे 2D में तो मुझे ऐसा ही नजर आएगा, बट जैसे 3D में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप 3D पे देख पाएंगे, 3D पे जो आपका व्यू है वो 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे 2D में भी 45 डिग्री के एंगल पे चाहिए, तो उसके लिए स्टिल मैं इस पे क्लिक करूंगा, लोड इन एडिट फैमिली पे जाऊंगा, और ये जो मॉडल लाइन है इसको मैं कर दूंगा डिलीट। इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका लाइन को इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं मॉडल लाइन पे क्लिक करूंगा, पिक लाइन, इसको पिक किया, इसको पिक किया। यहाँ पे देखोगे कि इससे ज्वाइन नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसे ज्वाइन करने की ट्राई करेंगे कि इससे मुझे ये वाला पार्ट ज्वाइन चाहिए, वो ज्वाइन हो जाएगा, और इससे मुझे ये वाला पार्ट ज्वाइन चाहिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, और एक मॉडल लाइन की हेल्प से मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा कुछ ऐसे। ओके, या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वरना राउंड में ले सकते हो, बट ये स्ट्रेट रहेगा आपका मॉडल लाइन का जो पार्ट रहेगा। और हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, तो मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट को लाके मैं यहाँ तक रखूंगा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी नीड नहीं है तो डिलीट कर देंगे। तो एक पार्ट हमारा हो गया ये 2D का, इसको आप अपने तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे मुझे एडजस्ट करना है।
हम इसको ही हटा देंगे यहाँ से, ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस वाली लाइन की जरूरत है जो यहाँ तक कनेक्ट है, क्लियर है। तो ऐसे करके हमने इसको भी 45 डिग्री के पे कर दिया। लोड करें प्रोजेक्ट में, ओवरराइड करें, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं बना। क्लिक करें, एडिट फैमिली पे जाएं, दोबारा से आप यहाँ पे मॉडल लाइन ले और आप इसे यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दें और लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड दोबारा से ओवरराइड। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका अब 2D प्लान में भी 45 डिग्री पे एंगल पे आपका डोर रोटेट हो गया है और 3D में भी 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने डोर को ओपन करके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।